आज हम क्लास फाइव का मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 3.1 बनाने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन का है ये सवाल। सो देखेंगे हम लोग सवाल, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको समझना ये है कि दो अंकों के बीच में चिन्ह क्या है। चिन्ह को देखकर ही हमको काम करना है, और चिन्ह में सबसे बड़ा जो चिन्ह होता है इसमें, जो आपको अभी इस चैप्टर में इसमें मिलेगा, डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, ऐड का और सबट्रैक्ट का। तो इसमें सबसे पहले दो अंकों के बीच में अगर ये डिवाइड है तो उन दोनों अंकों के बीच का ही काम करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई का, उसके बाद में ऐड का, उसके बाद में सबट्रैक्ट का। तो सवाल नंबर एक में हम देख रहे हैं कि 12 और 9 के बीच में जोड़ है, और 9 और 3 के बीच में डिवाइड है, भाग है। तो सबसे पहले यहाँ बराबर देकर आगे बढ़ेंगे, इसको ऐसे ही उतारेंगे, और देख रहे हैं कि ये जोड़ है और ये भाग है। बड़ा ये है, चिन्ह में बड़ा ये है या सीनियर है, सबसे पहले इन दोनों के बीच का काम करेंगे। तो ये 3 से भाग देना है 9 में, तो ये 3 बार में कट जाएगा। इसके बाद यहाँ हम ऐसे लिख देंगे, इसके बाद में दोनों के बीच में देख रहे हैं कि जोड़ का चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर 5 है, यहाँ देखेंगे हम लोग तो सबसे पहले चिन्ह देखते हैं, इन दोनों के बीच में घटाव चिन्ह है यानी माइनस है, इन दोनों के बीच में डिवाइड है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले जो साइन दिख रहा है हमको, उसमें सीनियर जो है ये है, डिवाइड वाला है, तो सबसे पहले इन दोनों अंक के बीच का ही काम करेंगे, और जो रेस्ट बच रहा है उसको उतारेंगे। यहाँ पे हम इससे भाग देंगे, 8 का जो है टेबल पढ़ेंगे, जितना बार में आएगा उतना लिख देंगे। तो 8 9 जा 72, तो यहाँ पे 9 बार में आ रहा है, 9 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 9। उसके बाद में ये चिन्ह लिख दिए, उसके बाद में देख रहे हैं दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 12 जो है प्लस में है, और ये 100 इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, तो भी ये प्लस में है, तो ये दोनों जो है प्लस में दिख रहा है, तो दोनों को आपस में पहले जोड़ लेंगे। तो ये 100 और 12 जोड़ेंगे, 112 हो जाएगा, बाद में इसको उतार देंगे माइनस 9 को, और इसके बाद में देख रहे हैं दोनों के बीच में ये घटाव चिन्ह है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ ये इसे समझेंगे हम, 12 12 में 9 हो गया, 3 यहाँ बच गया, 0 0 उतार देंगे, ये 1 बच गया, 1 उतार देंगे, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आप कोशिश कीजिए, सब सवाल जो है आसानी से इसमें का बन जाएगा एक्सरसाइज 3.1 का, और उसके बाद जो है अगले एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे, और वहाँ पे जो है आपका यहाँ से रूल स्टार्ट होगा बोर्ड मास का। इसमें बस इतना एप्लीकेबल है, इतना ही इसमें यूज करना है, डी मतलब डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट। इस अगले वाले चैप्टर में ये ब्रैकेट और ऑफ का भी यूज होगा। तब तक के लिए आपको जो है होमवर्क कुछ दिए जा रहे हैं, और आपको बना करके इसका जो है फोटो सेंड करना होगा व्हाट्सएप पे। धन्यवाद।